सो वेलकम, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है उन्होंने? पिस्टन ऑफ 7.95 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्क्स इन अ सिलेंडर ऑफ 8 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, तो एक पिस्टन है, वो सिलेंडर में क्या कर रही है? रेसिप्रोकेट कर रही है। ठीक है, तो पिस्टन का डायमीटर है 7.95 और सिलेंडर का डायमीटर है 8। ठीक है, तो इट इज 8 एंड इट इज 7.95। तो ये जो क्लियरेंस हो जाएगा वो कितना होगा? रेडियल क्लियरेंस इट इज 8 माइनस 7.95 डिवाइड बाय 2। व्हाई? बिकॉज दोनों साइड है ना, ये हमें टोटल मिलेगा। अगर 8 से 7.95 माइनस करेंगे तो ये वाला भी मिलेगा और ये वाला भी मिलेगा। तो जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेडियल क्लियरेंस Which is nothing but h। ठीक है, तो क्या दे रखा है? The annular space between the piston is filled with an oil of viscosity 2 poise। तो viscosity is nothing but 2 poise दे रखा है, तो 2 poise is nothing but 0.2 pascal second। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद तो यहाँ पे क्या भर रखे रखा है? ऑयल। शो इट विद अ डिफरेंट कलर। चारों तरफ ऑयल भर के रखा है, मतलब अगर कुछ इस तरीके से है पिस्टन और कुछ इस तरीके से है सिलेंडर, तो ये जो गैप है रेडियल वाला, ये पूरा सर्कमफेरेंशियली क्या भर के रखा है इन्होंने? ऑयल। ठीक है, तो इफ द एक्सियल लोड ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन, सो एक्सियल लोड कितना अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन पे? 10 न्यूटन। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, तो पिस्टन कैसे मूव करेगा वो कैलकुलेट करना है हमें। तो हम पहले अज्यूम कर लेंगे कि यूनिफॉर्मली मूव करेगा पिस्टन, अदरवाइज वो एक्सेलरेशन वगैरह लाना पड़ेगा उसके लिए, मतलब यहाँ पर इनफ डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्पीड होगी पिस्टन की वो क्या होगी? यूनिफॉर्म, ऐसा मानेंगे हम। तो उससे क्या हो जाएगा कि फोर्सेस जो भी होंगे सारे जो पिस्टन पे लग रहे होंगे वो क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में। तो पिस्टन पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो लग रहा है 10 न्यूटन का एक्सटर्नली अप्लाइड, और दूसरा लग रहा है ड्रैग फोर्स। और वो ड्रैग फोर्स कैसे लग रहा है? सर्कमफेरेंस, पूरे सर्कमफेरेंस पे लग रहा है ना। तो और पिस्टन की लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर पिस्टन हुज लेंथ इज 30 सेंटीमीटर और डायमीटर इज 7.95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम अलग से बनाएंगे तो कैसे दिखेगा ये? मतलब इसकी जो फेरी फेरी रहेगी आउटर वाली सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, उस पर क्या लग रहा होगा? उस पर टाउ एक्ट कर रहा होगा, तो उसी की वजह से क्या आएगा? ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ड्रैग फोर्स इज नथिंग बट द टाउ, द रेजिस्टिंग शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय आउटर सरफेस एरिया। तो टाउ क्या आ जाएगा? म्यू टाइम्स डी यू बाई डी वाई फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड इनटू सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? इट इज पाई डी टाइम्स लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, पाई डी इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस ऑफ द पिस्टन एंड एल इज लेंथ ऑफ द पिस्टन। ठीक है, और यहाँ पे डी यू बाई डी वाई कैसे? गैप स्मॉल है, ये जो एज गैप है वो काफी स्मॉल है, तो जो वेलोसिटी का वेरिएशन होगा कैसे होगा? लीनियर। ठीक है, तो यू वी बाई एच पाई डी एल। ठीक है, इट इज नथिंग बट ड्रैग फोर्स। और इक्विलिब्रियम में मतलब अगर हमें, मतलब अगर जो पिस्टन है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए कि मतलब वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी जीरो, तो एफ डी विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन फ्रॉम इक्विलिब्रियम। सो वी विल इक्वेट इट टू 10 न्यूटन। बाद में इसको 10 न्यूटन के बराबर करने के बाद क्या हो जाएगा? सब कुछ मिल गया है हमें, अभी बस वैल्यूज रखनी है। तो इट इज 10 टाइम्स म्यू इज नथिंग बट 2 पॉइस, सो 0.2 पास्कल सेकंड। वी निकालना है हमें, एच दे रखा है यहाँ ऊपर निकाला हमने, इंटू पाई। डी क्या दे रखा है उन्होंने? इट इज 7.95 इंटू 10 पावर माइनस 2। सबको ऐसा यूनिट में रखना है, भले ही बाद में कन्वर्ट कर लेना है।
एंड एल इज 0.3, होल इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहां से h की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें, तो सारा कुछ रखेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे बाद में, तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू 16.68 सेंटीमीटर सेकंड। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।